गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। बेटा आज हम स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर नंबर 8, दैट इज इंटीजर्स। इंटीजर्स के बारे में पढ़ेंगे आज हम कि इंटीजर्स क्या होते हैं, ठीक है। सो इसके लिए पहले बेटा मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करवा दूँ कि जैसे ये वाले हमारे जो काउंटिंग नंबर्स होते हैं 1, 2, 3, 4, इनको तो हम बोलते हैं नेचुरल नंबर्स, है ना। अगर इनके साथ ज़ीरो में ऐड कर दूँ, मीन्स कि 0, 1, 2, 3, 4, तो हम इनको बोलते हैं होल नंबर्स, ठीक है। लेकिन अगर इनके साथ ऐसे वाले नंबर्स आ जाएं -1, -2, -3, -4 होल नंबर्स के साथ, तो ये बन जाते हैं इंटीजर्स। तो यहाँ से आपने ध्यान से देखना, द नंबर्स -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड सो ऑन आर कॉल्ड इंटीजर्स। मीन्स कि इंटीजर्स में क्या क्या आता है, नेचुरल नंबर्स भी आते हैं, होल नंबर्स भी आते हैं, और साथ में कौन से नंबर्स आते हैं, नेगेटिव साइन वाले भी आते हैं, ठीक है जी। 3 तक की सीमित नहीं है, इनको हम आगे तक कहीं तक भी लिख सकते हैं। और ये वाले जो नंबर हैं 1, 2, 3, इनके आगे कोई साइन नहीं है, सो इट मीन्स ये कौन से नंबर हैं, इनके आगे कोई साइन नहीं है तो इसके मतलब है इसके आगे है प्लस का साइन, और इनको हम बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स। और इनके आगे देखो -1, -2, -3, इनके आगे माइनस का साइन है तो इनको हम बोलते हैं नेगेटिव इंटीजर्स, ठीक है। नेक्स्ट आपको आता है रिप्रेजेंटिंग इंटीजर्स ऑन द नंबर लाइन। मीन्स कि हमने इंटीजर्स को नंबर लाइन पे कैसे लिखना है, कैसे रिप्रेजेंट करना है। देखो नंबर लाइन आप सभी ने बनाई होगी ऐसे, यहाँ पे 0, इधर को हम लिखते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 सो ऑन, मीन्स कि अपने राइट साइड को, और इधर लेफ्ट को हम सारे उल्टा लिखते हैं, नेगेटिव में लिखते हैं -1, -2, -3, -4, -5, -6 एंड -7, ठीक है। तो 0 के इधर राइट साइड में होते हैं पॉजिटिव इंटीजर और लेफ्ट साइड में होते हैं हमारे नेगेटिव इंटीजर्स, ठीक है। तो इंटीजर्स के बारे में आपने ये पॉइंट्स याद रखने हैं कि माइनस वाले पॉइंट्स विद 0 एंड 1, 2, 3, प्लस वाले ये सारे जो नंबर्स होते हैं इन सबको मिला के क्या बनते हैं, इंटीजर्स। इंटीजर्स में आगे आता है पॉजिटिव इंटीजर्स और फिर आता है नेगेटिव इंटीजर्स, ठीक है। तो चलिए अब हम अपनी इनिंग्स को स्टार्ट करते हैं। इनिंग्स 8.1 पे आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज वेरी इजी, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग यूजिंग इंटीजर्स। देखो ये वर्ड्स में लिखा है, इसको हमने इंटीजर्स की फॉर्म में लिखना है। वन फ्लोर बिलो ग्राउंड लेवल, आपने इसको कैसे लिखना है, वन फ्लोर बिलो ग्राउंड लेवल, एक फ्लोर नीचे, ग्राउंड लेवल से एक फ्लोर नीचे, मीन्स कि आप नीचे को जा रहे हो, तो इट मीन्स आपका जो नंबर है वो कम हो रहा है, और कितना, 1। तो आपने यहाँ पे क्या लिख दोगे, -1, ठीक है। नेक्स्ट एंड इंक्रीज ऑफ 3 मार्क्स, अब आपके मार्क्स जो 3 बढ़ गए, सपोज करो पहले 7 थे, अब आपके 3 मार्क्स और बढ़ गए, तो 7 में 3 प्लस किया 10, तो इट मीन्स आपके 3 मार्क्स बढ़े हैं, तो आपने क्या लिखना है यहाँ पे, +3, है ना। विदड्रॉल ऑफ ₹414 फ्रॉम एन ATM मशीन, हमने ATM मशीन में से ₹414 निकाले, विदड्रॉल मीन्स होता है निकालना, आई थिंक ATM मशीन सबने देखी हुई है ना, तो हमने पैसे निकाल लिए, तो इट मीन्स हमारे अकाउंट में पैसे जो थे वो कम हो गए, बड़े नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे, -₹414, ठीक है। तो ये आपने अपनी नोटबुक में ये करने हैं, ठीक। सो डी और ई पार्ट आप ट्राई करना खुद से। नेक्स्ट, इफ़ -7 मीन्स 7 यूनिट्स टूवर्ड्स वेस्ट, देन वट डज द +13 रिप्रजेंट। कह रहा है कि जो -7 का मतलब है कि हम वेस्ट की तरफ हैं, देन वट डज +13 रिप्रजेंट। देखो इधर माइनस है तो इधर क्या है, प्लस। अब आपको पता है वेस्ट का ऑपोजिट क्या होता है, ईस्ट, तो इट मीन्स हम कहाँ जा रहे हैं, 13 यूनिट्स टूवर्ड्स ईस्ट। इधर माइनस से हम प्लस की तरफ चलेंगे ना, नॉर्थ का ऑपोजिट होता है साउथ और वेस्ट का ऑपोजिट क्या होता है, ईस्ट, तो इट मीन्स हमने क्या लिखना है यहाँ पे, 13 यूनिट्स टूवर्ड्स ईस्ट हमारा आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 3, विच इंटीजर्स आर नॉट नेचुरल नंबर्स, कौन से इंटीजर्स होते हैं जो नेचुरल नंबर्स नहीं होते हैं, जैसे कि 0 नहीं होती है नेचुरल नंबर, और नेगेटिव वाले है ना, -1, -2, -3, ये नेचुरल नंबर्स नहीं होते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, विच इंटीजर इज टू द राइट ऑफ द अदर ऑन द नंबर लाइन इन द फॉलोइंग पेयर्स। कह रहा है कि हमें ये पेयर दिया जैसे 45 और 9, तो हमने बताना है कि अगर मैं इन दोनों नंबर्स को
नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करती हूँ तो ये कौन सी साइड में आएंगे। बेटा अब देखो, आपने नंबर लाइन पे देखा था कि जो बड़े नंबर हैं ये राइट साइड को आते हैं और छोटे वाले लेफ्ट को आते हैं। जैसे देखो वन और टू में देखना कौन सा राइट साइड को आएगा, तो टू बड़ा है तो राइट साइड में आ रहा है। ऐसे ही यहाँ पे देखो 45 और 9 में से कौन सा बड़ा है, 45 बड़ा है तो इट मीन्स जो 45 है वो नंबर लाइन पे राइट साइड में आएगा। 15 और 0 कौन सा नंबर बड़ा है, 15 आएगा, है ना। सी पार्ट में 0 एंड माइनस 8। अब देखो बेटा 0 और माइनस 8, वैसे तो 8 बड़ा है लेकिन अब 8 के साथ लग गया माइनस, तो इट मीन्स 8 छोटा हो गया 0 बड़ा हो गया। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा आपका, सिर्फ और सिर्फ 0। ओके, आपने सिर्फ 0 लिखना है और कुछ भी कैलकुलेशन नहीं है इन क्वेश्चंस में। -23 -3। अब बेटा जिसके आगे माइनस साइन लग जाता है वो बड़ा वाला नंबर छोटा हो जाता है और छोटा वाला बड़ा हो जाता है। सो इट मीन्स वैसे तो 23 बड़ा है लेकिन इसके आगे माइनस का साइन आ गया, सो 23 छोटा हो गया और -3 बड़ा हो गया। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या आएगा, सिर्फ और सिर्फ आपने इतना लिखना है -3 आंसर। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। ओके देन, बाय बेटा, टेक केयर।